हेलो फ्रेंड्स, आप आईएएस डेली स्टैटिक एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम अपनी इस सीरीज़ में यूपीएससी सिलेबस के लगभग हर टॉपिक पर एमसीक्यू डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम अपने डिस्कशन में जीएस पेपर वन के कला संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे जुड़े हुए जानकारियों पर विचार करेंगे। ये कला संस्कृति पर हमारा 5वां डिस्कशन वीडियो है। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न क्या कहता है, वैशेषिक दर्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीन जानकारियां दी गई हैं, आपको सही जानकारी की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है यह ब्रह्मांड की भौतिकता में विश्वास करता है। दूसरा कथन कहता है उनका मानना है कि सभी भौतिक वस्तुएं परमाणुओं से बनी होती हैं। और तीसरा कथन कहता है वे वैज्ञानिक सोच के लिए तर्क देते हैं और भगवान में विश्वास नहीं करते। फ्रेंड्स, वैशेषिक दर्शन जिसके प्रतिपादक कणद हैं, उनके द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि ब्रह्मांड की सभी चीजें 5 परमाणुओं से मिलकर बनी हुई हैं, 5 चीजों से मिलकर बनी हुई हैं। इसी आधार पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से उन्होंने एक दर्शन को प्रतिपादित करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो दिया, लेकिन उन्होंने भगवान को भी एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया। यानी कि तीसरा कथन जो दिया गया है उसमें ये बताया गया है कि उन्होंने भगवान में विश्वास नहीं किया, ये गलत है। और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि पहला और दूसरा दोनों जानकारी सही है। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने ब्रह्मांड में सब कुछ 5 चीज़ों से मिलकर बने होने की बात कही थी। उन 5 चीज़ों में अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश था। जो बाद में विवाद बनकर उभरा वो आकाश की वजह से था, क्योंकि इन्होंने एक भौतिकवादी सिद्धांत प्रतिपादित करने की कोशिश की और आकाश सिर्फ देखा जा सकता है, उसे महसूस नहीं किया जा सकता, बल्कि यहाँ पर बाकी 4 जो चीज़ें हैं उनको महसूस किया जा सकता था। इन्होंने भगवान पर विश्वास किया, उन्हें एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में माना। इनके दिए गए दर्शन को भौतिकवादी दर्शन के रूप में भी जाना जाता है। कभी कभी इसे यथार्थवादी या फिर उद्देश्य दर्शन भी कहा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे। ये वैशेषिक दर्शन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। पूछा जा सकता है, हर साल यूपीएससी एक प्रश्न पूछती है इससे संबंधित, आप ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिर से तीन जानकारियां दी गई हैं, आपको गलत जानकारी की पहचान करनी है। किसके बारे में, मोहिनी अट्टम के बारे में। पहला कथन कहता है यह अनिवार्य रूप से महिलाओं द्वारा समूह नृत्य प्रदर्शन है। फ्रेंड्स, पहले कथन में ये जो समूह नृत्य प्रदर्शन है वो गलत है, क्योंकि मोहिनी अट्टम जो है वो महिलाओं के द्वारा एकल नृत्य प्रदर्शन का एक रूप है। यानी कि कोई एक ही महिला जब कभी भी इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है तो एकल महिला के द्वारा किया जाता है, इसलिए पहला गलत है। दूसरा कथन कहता है नृत्य का तांडव पहलू प्रमुख है, ये भी गलत है, क्योंकि मोहिनी अट्टम में नृत्य का दूसरा रूप यानी कि लास्य, आप जानते हैं कि नृत्य का दो रूप होता है, एक लास्य होता है और दूसरा तांडव, तो मोहिनी अट्टम में लास्य को ज़्यादा प्रमुखता दी गई है, यानी कि दूसरा भी गलत हो जाता है। तीसरा कथन कहता है यह धर्मनिरपेक्ष विषयों पर आधारित है, गलत है, क्योंकि मोहिनी अट्टम विशेष रूप से दक्षिण भारत में केरल के मंदिरों में सबसे पहले प्रदर्शित किया जाता था, ये रामायण और महाभारत से जुड़े हुए होते थे, इसलिए ये धार्मिक माने जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी आंसर होगा, क्योंकि तीनों के तीनों कथन जो हैं वो गलत हैं। अगर इससे जुड़े हुए चित्रों को आप देखें जो प्रदर्शन किया जाता है तो आप इसे देख सकते हैं। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उनको आपको याद रखना है। वो ये कि मोहिनी अट्टम जो है वो भारत के शास्त्र नृत्य का एक रूप है। इसको मुख्य रूप से भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में सबसे पहले देखा गया। मोहिनी अट्टम में मुख्य रूप से लास्य शैली का अधिक प्रधानता दिया गया है। जो स्त्री होती है उसके चेहरे के भावों को, उसके हाथों के इशारों को प्रमुखता से दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। जो पैर होती है उनमें कोई विशेष प्रकार के तालबद्ध या फिर लयबद्ध
कदम को प्रदर्शित करने की प्रथा नहीं रही है, हालांकि इनकी चाल काफी धीमा और सरकने वाली जैसी होती है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, ये विशेषताएं हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो विशेषताओं पर ही आधारित होते हैं। मुख्य रूप से जो मोहिनीअट्टम था वो महिलाओं के द्वारा ही किया जाता रहा है। जो कथकली थी वो पुरुषों तक ही सीमित थी, लेकिन आधुनिक समय में ये दोनों प्रथाएं अब टूटने लगी हैं। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों को ही पुरुषों के द्वारा भी किया जाता रहा है। इसकी अगर हम इतिहास की बात करें तो लगभग 700 साल पुराना इसे माना जाता है। त्रावणकोर के जो राजा थे स्वाति थिरुनल, इन्होंने इसे विकसित रूप पर जो आज हम देख पा रहे हैं उस स्थान पर पहुंचाने में मुख्य रूप से जोर दिया। जब भारत में अंग्रेजों का शासन था उस समय भी मोहिनीअट्टम को प्रदर्शित किया जाता था और बढ़ावा दिया गया, तो इसे आप याद रखेंगे। हमारे डिस्कशन का तीसरा प्रश्न क्या कहता है, थोलू बोमलता पारंपरिक कठपुतली कला का रूप है। आपको चार राज्यों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कहां इस कठपुतली कला का प्रदर्शन किया जाता है। कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स आप याद रखिए, थोलू बोमलता जो एक कठपुतली नृत्य प्रदर्शन का रूप है वो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में किया जाता है। जब टीवी या फिर आज जिस तरह से हम यूट्यूब इत्यादि से अपने आप को मनोरंजित करते हैं, ये परंपरा नहीं थी। उस समय लोगों को मनोरंजित करने के लिए एक विशेष समुदाय के द्वारा गांव-गांव जाकर इंटरटेनमेंट या फिर मनोरंजन के लिए कठपुतली का प्रदर्शन किया जाता था, और ये मुख्य रूप से आज आंध्र प्रदेश के आसपास देखा जाता है। हालांकि ये तेलंगाना अगर यहाँ आपको दिया हुआ होता, आंध्र प्रदेश नहीं दिया होता, तो आप तेलंगाना भी करते, क्योंकि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से 2014 में अलग हुआ है। तो जिस समय ये कला प्रदर्शन अपने चरम पर था या फिर आज है, तो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों ही क्षेत्रों में होता है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं वहां पर तेलंगाना शब्द कहीं नहीं लिखा गया, वो आंध्र प्रदेश लिखा गया है। तो आप याद रखेंगे, यदि तेलंगाना दिया होता है केवल तो आप तेलंगाना करेंगे, यदि आंध्र प्रदेश दिया होता है तो आप आंध्र प्रदेश करेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी थोलू बोमलता के बारे में, आप इसे ध्यान रखेंगे। एक अन्य बात इससे जुड़ी हुई, जो नाटक के प्रदर्शन या फिर कठपुतली नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है वो रामायण और महाभारत पर आधारित कहानियों से निर्मित होती हैं। मतलब रामायण और महाभारत की कहानियों को प्रदर्शित किया जाता है। जो कलाकार होते हैं वो कलाकार गांव-गांव घूमकर सिर्फ नाटक का प्रदर्शन नहीं करते हैं, बल्कि उनके द्वारा बहुत तरह के ताबीजों को भी बेचा जाता है। आकर्षक कपड़े बुनने के बाद उनको भी बेचकर अपनी आजीविका संचालित करने की कोशिश की जाती है। लोगों में टैटू खुदवाने की जो प्रथा है उनको भी इनके द्वारा किया जाता रहा है। तो आप इन सारी बातों को याद रखेंगे। हमारे डिस्कशन का चौथा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो जानकारियां दी गई हैं, आपको सही जानकारी की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्राचीन मंदिर बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं। दूसरा कथन कहता है, पहाड़ी क्षेत्रों में मंदिरों में लकड़ी की इमारतें प्रमुखता से पाई जाती हैं। अब आपको इन दोनों में से सही कथन की पहचान करनी है। फ्रेंड्स आपको यदि ये पूछा जाए कि इस प्रकार के कथन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, आपको कौन से बुक में ये पढ़ने को मिलेगा, तो फ्रेंड्स याद रखिए, इस प्रकार के कथन आपको किसी भी बुक में पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगे। हमारी टीम ने जो क्वेश्चन सेट किया है वो काफी दिमाग लगाकर इस क्वेश्चन को सेट किया है, और यूपीएससी ऐसा ही क्वेश्चन पूछती है जो किसी बुक में लाइन बाय लाइन लिखा हुआ कभी भी नहीं होता। तो आप ये ध्यान रखेंगे, आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे। फिर देखिए, यहां राजस्थान मध्य प्रदेश की बात कर रहा है, आपको यहां पर कौन से प्रकार के पत्थर मिलेंगे, ग्रेनाइट के मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। ग्रेनाइट के पत्थर कहां मिलेंगे, दक्षिण भारत में मिलेंगे या फिर जो पहाड़ी इलाका है वहां पर मिलेंगे। जो मध्य प्रदेश और राजस्थान का इलाका है वहां पर ज्यादातर बलुआ पत्थर पाए जाते हैं, और यदि बलुआ पत्थर पाया जाता है तो जो मंदिर बनाया जा रहा है वो किससे बनाया जाएगा, बलुआ पत्थर से ही बनाया जाएगा। अगर कहता कि राजस्थान के क्षेत्रों में
संगमरमर से पत्थर बनाए गए हैं तब भी आप सही कहते हैं, क्योंकि राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में संगमरमर पाए जाते हैं, तो ये पहला कथन सही हो जाता है। दूसरे कथन की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ी क्षेत्रों के मंदिरों में लकड़ी की इमारतें प्रमुखता से पाई जाती हैं। अब इसको आप सोच के देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में वहां पत्थर होंगे क्या, या फिर ग्रेनाइट होंगे क्या, या फिर वहां पे संगमरमर होंगे क्या? बहुत कम होंगे। और अगर सामान्यतः वहां पर मंदिर संगमरमर का या फिर ग्रेनाइट का बनाया जा रहा है तो बहुत कम देखने को मिलेगा। जो ज्यादातर मिलेंगे वो किससे मिलकर बनेंगे, और यहां पर लिखा गया है प्रमुखता से पाई जाती है, तो ज्यादातर जो चीज जिस क्षेत्र में पाया जाता है उसी से मंदिर बनाया जाएगा। तो जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर लकड़ियों की प्रधानता होती है, ऊंचे ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं, सीधे पाए जाते हैं, तो उससे मिलाकर मंदिर बनाना थोड़ा आसान होता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में निश्चित रूप से मंदिर जो बनाए जाएंगे तो वो लकड़ी से ही होंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो जब आप क्वेश्चन देखें तो वहां पर एट द टाइम आपको दिमाग लगाना है, जो आप पढ़ रहे हैं चाहे वो किसी बुक में पढ़ रहे हैं या फिर हमारे डिस्कशन को सुन रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो लाइन बाय लाइन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन आपको वहां पर एट द टाइम दिमाग लगाना है, और यूपीएससी यही चाहती है। जो मंदिर बनाए जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में वो कुछ इस प्रकार के होते हैं, इसके पीछे भी रीजन है, वो सीधा नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि वहां पर भूस्खलन वगैरह होता है या फिर आंधी तूफान चलती है तो उस कंडीशन में, या फिर बर्फबारी होती है तो उस कंडीशन में ये टूट जाएगा अगर वो सपाट होगा या सीधा होगा। तो आप इसे बनाने की कला देखिए, इससे क्या होगा, जो बर्फबारी होगा वो नीचे गिर जाएगा, जमीन पर आ जाएगा, तो उससे मंदिरों पर का जो छत है उस पर दबाव कम पड़ेगा। तो ये बनाने की एक विशेष कला होती थी, तो इस बात को आप याद रखेंगे। हिंदू मंदिर परंपरा में एक ऐसा आकृति होता है जिसको शिखर कहा जाता है, उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे कारण है कि ये स्वर्ग की ओर जाने का रास्ता है, ऐसा माना जाता है। तो ये कुछ बहुत डिटेल वाली बातें हैं, इतनी डिटेल से यूपीएससी ने नहीं पूछा है अभी तक, लेकिन आप ध्यान रखेंगे, जो मिले हैं वो हम आपके लिए सब कुछ लेकर आए हैं, आप इसे देख सकते हैं। हमारे डिस्कशन का पांचवा प्रश्न क्या कहता है, नरसिंह के रूप में विष्णु मानव सिंह राष्ट्रकूट काल के एक कार्य को दिखाया गया है। यहां पर आपको चार गुफाओं के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि नरसिंह के रूप में विष्णु को या फिर मानव और सिंह के रूप में विष्णु को इनमें से कहां दिखाया गया है जिसको राष्ट्रकूट काल के दौरान बनवाया गया था। आपके दिए गए ऑप्शन में अजंता, एलोरा, कार्ले और कैलाश की गुफा है। तो फ्रेंड्स आप याद रखिए, नरसिंह की गुफा ये एलोरा के गुफा संख्या 15 में है। जो भगवान विष्णु है उनको नरसिंह के रूप में दिखाया गया है, यानी कि मानव और सिंह उन दोनों का जो सम्मिलित रूप है उसके रूप में प्रदर्शित किया गया है। ये उसके बाद क्या जो बहुत सारे ऐसे फोटो बनाए गए उसका एक रूप है, और जो वास्तविक एलोरा के मंदिर में देखने को मिलता है वो कुछ ये है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। जो प्रहलाद थे उनको बचाने के लिए ये नरसिंह के रूप को प्रदर्शित किया गया था। हमारे डिस्कशन का छठा प्रश्न क्या कहता है, बुद्ध ने सिखाया कि दुख और दुख का कारण होता है, उसके बाद क्यों होता है, वो आपको तीन कथन के रूप में दिए गए हैं, आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा कथन दुख और दुख के कारण होने का वजह है। पहला कहता है, हमारे पास उत्कंठाएं और इच्छाएं हैं जो अक्सर पूरी नहीं हो सकती। दूसरा कथन कहता है, हम इमोशनल तपस्या का अभ्यास नहीं करते, क्या इसलिए दुख और दुख का कारण है। प्रकृति के अस्तित्व का मूल स्थिति पीड़ित है, क्या इसलिए दुख और दुख का कारण है। तो फ्रेंड्स भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि दुख है, दुख का कारण है, और दुख का निदान किया जा सकता है, उसके बाद उन्होंने मार्ग बताया। भगवान बुद्ध इतने सफल क्यों हुए, क्योंकि उन्होंने दुख को पहचाना और उसके कारण बताए, उसके बाद उसको निवारण करने के उपाय भी उन्होंने बताया। तो इसीलिए बुद्ध काफी ज्यादा प्रचलित हुए, इनको माना गया, इनके बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन एक विशेषता ये है। अब हम देखते हैं कि कौन सी वजह थी जिनको इन्होंने दुख और दुख के कारण होने का वजह बताया था। तो फ्रेंड्स
इनक्वेव द्वारा जो वजह बताई गई थी वो ये कहा गया था कि जो हमारी इच्छाएं हैं, जो मनोकामनाएं हैं, चाहे वो अर्थ की हो, काम की हो, मोक्ष की हो, इनकी वजह से सबसे ज्यादा दुख का कारण बना हुआ है। यदि इच्छाओं को मार दिया जाए, यदि वो इच्छा चाहे काम की हो, अर्थ की हो, या फिर मोह का हो, या फिर मोक्ष प्राप्ति का हो, यदि इन इच्छाओं को समाप्त कर दिया जाए तो इंसानों को दुख समाप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, क्योंकि केवल और केवल पहला सही लिखा गया है। भगवान बुद्ध ने सिर्फ ये कहा था, दूसरा और तीसरा जो है वो हमारी कल्पना है, ये बिल्कुल गलत है। हम लोगों को आपको सिर्फ स्टेटमेंट देकर थोड़ा सा समझाना था, इसलिए हम आपको ये समझा रहे थे। आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उन्होंने जो मार्ग बताया वो क्या कहा कि आप इन इच्छाओं को कम कीजिए। मेरे 93% आ गए, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरे से ज्यादा एक लड़की का 97% आया। क्यों आया? मैं इस वजह से खुश नहीं था कि मेरी 93% आए, मैं दुखी इसलिए था कि उसके 97% क्यों आए, ये तो मुझे आने चाहिए थे, मैंने मेहनत किया था। यानी कि मेरी इच्छाएं हैं, मैं इन चीजों से खुश नहीं हूं, मैं इसको पाने के लिए खुश हूं। अगर मैं इसको पा भी लेता तो शायद मैं किसी दूसरे वजह से दुखी होता। तो ये तो मेरे कंडीशन में थी, आपके कंडीशन में कुछ और होंगी, या फिर हर इंसान के कंडीशन में कुछ और इच्छाएं होंगी। तो हम लोगों को इन इच्छाओं को, इन लालसाओं को संयम बरत कर ठीक करने की जरूरत है। अगर हम इस पे सफल हो जाते हैं तो दुखों का अंत हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान रखें। हमारे डिस्कशन का 7वां प्रश्न क्या कहता है? मध्यम यक और योग शास्त्र दार्शनिक परंपराओं से संबंधित हैं। यहां पर आपको 4 परंपराएं दी गई हैं। आपको बताना है कि मध्यम यक और योग शास्त्र जो दार्शनिक परंपरा है वो किससे जुड़ा हुआ है? तंत्र, वेदांत, योग और बौद्ध धर्म। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत 2 संप्रदाय हैं, एक तो हीनयान और दूसरा महायान। जो महायान और हीनयान का उदय होता है वो चौथे बौद्ध का जो हुआ था, बैठक जो हुआ था वहां पर जम्मू कश्मीर में कुंडल वन में हुआ था। तो वहां पर जो नागार्जुन थे उनके द्वारा जो जिस प्रथा का पालन किया जाता था उन्हीं प्रथा को मध्यमयक माना जाता है। तो आपको यदि ये पूछा जाए कि मध्यमयक किससे जुड़ा हुआ है तो आप कहेंगे कि बौद्ध संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। इसके प्रतिपादक कौन थे कहेंगे तो आप कहेंगे नागार्जुन। ठीक है, अगर हम बात करें योग शास्त्र दर्शन का तो फ्रेंड्स ये एक ऐसी मनोभावना है, एक ऐसी प्रथा है जो बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान इन दोनों को मिलाकर प्रदर्शित करता है। और इनके माध्यम से क्या किया जाता है कि ध्यान और योगिक प्रथाओं के माध्यम से कुछ अनुभूति, कुछ धारण और कुछ चेतना का अध्ययन किया जाए और मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा कौन बोलता है? योग शास्त्र। और ये किसका एक हिस्सा है, किसका संप्रदाय का हिस्सा है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसे आप याद रखेंगे। मैंने आपको बताया कि मध्यमयक जो था वो नागार्जुन के दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित था। इनके द्वारा जिस प्रथा का पालन किया गया उसे ही मध्यमयक कहा गया। ये मुख्य रूप से पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में ज्यादा आज भी प्रदर्शित किया जाता है और जो तिब्बत के बुद्ध हैं उनके द्वारा इसे विशेष रूप से आज प्रदर्शित किया जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे। हमारे डिस्कशन का ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है क्या? अभी तक तो जैन धर्म से संबंधित पूछी है, 3 बार पूछी है लगातार, तो बौद्ध धर्म से ना पूछा जाए ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमारे क्वेश्चन बनाने का आधार यही था कि अगर जैन धर्म से पूछा गया है तो बौद्ध धर्म से भी पूछा जा सकता है। तो आप इसे पढ़ लीजिए, फिर आपको आसान हो जाएगा। हमारी डिस्कशन का 8वां प्रश्न क्या कहता है? कथकली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 जानकारियां दी गई हैं, आपको सही जानकारी की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है कथकली का स्रोत रमन्ना अट्टम और कृष्ण अट्टम है। बिल्कुल सही है, जो कथकली था वो मुख्य रूप से केरल के मंदिरों में प्रदर्शित किया जाता था। स्टार्टिंग में रमन्ना अट्टम और कृष्ण अट्टम के रूप में, यानी कि रमन्ना अट्टम मतलब जो रामायण से संबंधित नाटक थे उनको कथा के रूप में और नृत्य प्रदर्शन के रूप में दिखाया जाता था, प्रदर्शित किया जाता था। और कृष्ण अट्टम मतलब जो कृष्ण से संबंधित कथाएं थी
उनको नाटक और नृत्य के रूप में प्रदर्शित किया जाता था, तो उसे ही रमन्नाट्टम और कृष्णाट्टम कहा जाता है। जब इन दोनों का सम्मिलित रूप प्रदर्शित किया जाने लगा तो इसे ही कथकली कहा जाता है। ठीक, तो आप याद रखेंगे पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कहता है यह प्राचीन मार्शल आर्ट प्रदर्शन से भी निकट से संबंधित है। बिल्कुल सही है, जो शायद दारा क्या इसका दारामा परंपरा है, दारामा परंपरा है उसके अंतर्गत, मतलब कथकली का एक रूप है दारामा, और उसी को प्रदर्शित किया जाता है मार्शल आर्ट के रूप में, तो इसलिए दूसरा कथन भी सही हो जाता है। और तीसरा कथन क्या कहता है कि इसमें नृत्य और नाटक दोनों सम्मिलित हैं। मैंने अभी भी बताया कि जो रमन्ना अट्टम और कृष्णा अट्टम है उसमें कथाओं का यानी कि जो कहानियां थी उनको नाटक और नृत्य दोनों के रूप में प्रदर्शित किया जाता था। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो आप याद रखें ये विशेषताएं हैं कथकली की, विशेषताएं यूपीएससी पूछती है ना विशेषताओं से, अंदर घुसकर पूछती है, और जब पूछती है ना तो क्वेश्चन देखने के बाद में दिमाग चकरा जाता है, तो आप उसे ध्यान रखें। जो कथकली को प्रदर्शित वर्तमान में की जाती है वो कुडियट्टम से काफी ज्यादा निकट की है। और कुडियट्टम क्या है, एक नाटक है, कुडियट्टम एक नाटक है। तो जो केरल में अभी वर्तमान में जो कथकली का प्रदर्शन किया जाता है वो कुडियट्टम पर आधारित होती है, और कुडियट्टम क्या है, एक नाटक का किताब है और इसी पर आधारित किया जाता है, तो आप इसे ध्यान रखें। स्टार्टिंग कहां से हुआ था, रमन्नाट्टम और कृष्णाट्टम से। हमारे डिस्कशन का नौवां प्रश्न क्या कहता है, भारत में निम्नलिखित मार्शल आर्ट और उन स्थानों पर विचार करें जो वे मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं। एक तरफ मार्शल आर्ट दिया हुआ है, दूसरे तरफ राज्य दिया हुआ है, आपको बताना है कि सही रूप से कौन, अच्छा गलत रूप से कौन मेल खाता है, उसको आपको पहचान करना है। पहला कहता है क्लारी पेट्टू, ये बताता है तमिलनाडु का है, गलत है, ये केरल में हुआ था। कलारी पेट्टू मार्शल आर्ट का एक प्रदर्शन है, वो जो आप कुंफू कराटे जानते हैं, कुंफू जानते हैं, कुंफू कलारी पेट्टू से ही उत्पादित हुआ है, ये केरल में ही हुआ, उसके बाद आज कहाँ चला गया, जापान और कोरिया में, हम भुला गए हैं कलारी पेट्टू को, यहीं से शुरू हुआ था कुंफू। ठीक, तो कलारी पेट्टू जो है वो वर्तमान में तमिलनाडु से नहीं जुड़ा हुआ है, ये केरल से जुड़ा हुआ है, इसलिए पहला गलत हो जाता है। दूसरा थांगटा या त्रिपुरा से बताता है, ये भी गलत है, क्योंकि थांगटा जो है वो मणिपुर से जुड़ा हुआ है, तो दूसरा भी गलत है। तीसरा क्या कहता है, मर्दानी, ये एक प्रकार का मार्शल आर्ट का प्रदर्शन है, महाराष्ट्र में ही किया जाता है, तो तीसरा सही हो जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पहला और दूसरा गलत है, आपको गलत की पहचान करनी थी। तो फ्रेंड्स बात करें अगर हम कलारी पेट्टू का, तो ये मार्शल आर्ट का एक परंपरा है जो दक्षिण भारत में विशेष रूप से केरल में माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति हुई 4वीं शताब्दी के आसपास, उसके बाद में विश्व के अलग अलग हिस्सों में इसे लेकर गए, जो दार्शनिक घूमने के लिए आते थे भारत उनके द्वारा इनको सीखा गया, और सीखने के बाद ये अपने देश में लेके गए, और अच्छा खासा उनका प्रदर्शन किया जा रहा है, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए किया जा रहा है। वर्तमान में कलारी पेट्टू का प्रदर्शन किया जाता है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, और ये जो भी कोरोना वायरस का संक्रमण चला उस टाइम पर भी केरल की सरकार ने कहा कि हम इसे प्रमोट करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और काफी सही है क्योंकि अगर एक्सरसाइज किया जाएगा तो ये सब कार्य होते हैं। तो पहला सही, मतलब ये जानकारी थी। थांगटा के बारे में मैंने बताया कि मणिपुर में मेईती जनजाति के लोग हैं उनके द्वारा विशेष रूप से किया जाता है, ये काफी घातक होता है, इसमें थांग जो होता है ना वो एक प्रकार का तलवार होता है, टा जो होता है वो एक प्रकार का ढाल होता है, तो ये काफी खतरनाक होता था, लेकिन वर्तमान में इसको थोड़ा आसान बना दिया गया है, एक लकड़ी होता है और एक लकड़ी की छड़ी होती है, और जो ढाल होता है वो तो ढाल होता ही है, तो उनके सहारे से इस प्रदर्शन को आज भी जिंदा रखने की कोशिश की गई है। मर्दानी के बारे में मैंने बताया कि ये एक पारंपरिक महाराष्ट्रियन मार्शल आर्ट का प्रदर्शन है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कोल्हापुर क्षेत्र में किया जाता है, तो इसे आप याद रखें। चलते हैं हमारे डिस्कशन के अंतिम प्रश्न की ओर। हमारे डिस्कशन का लास्ट प्रश्न क्या कहता है, सप्तमातृका हिंदू धर्म में पूजित 7 महिला देवताओं का एक समूह है जो अपने संबंधित संघों की ऊर्जा को व्यक्त करते हैं, वो हैं, मतलब सप्तमातृका जो 7 देवियों या फिर 7 महिला देवताओं का जो समूह है उनमें, इनमें से जो 5 नाम दिए गए हैं उनमें से किसको किसको शामिल किया गया है, तो ब्राह्मणी, महेश्वरी, लक्ष्मी, वाराही, वराही भी कहा जाता है, वराही और सरस्वती। तो आप याद रखिए
जो सात हैं उसमें यहाँ जो दिया गया है उसमें से ब्राह्मणी, महेश्वरी और वाराही हैं। लक्ष्मी और सरस्वती को सप्तमात्रिका के अंतर्गत जगह नहीं दिया गया है। याद रखिएगा, अभी ये करेंट में भी था और हमारे आर्ट कल्चर से भी संबंधित है। करेंट में इसलिए था क्योंकि फ्रेंड्स कहीं पर एक ऐसा मिला था, बहुत पुराना आकृति मिला था जहां पर सप्तमात्रिका की मूर्ति मिली थी, तो इसलिए ये न्यूज में भी था, तो पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखें। ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगर हम बात करें इसे किन लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा प्रचलित किया गया था, तो जो चालुक्य थे उनके द्वारा इसे प्रमोट किया गया। ब्राह्मणी जो थी वो ब्रह्मा की पत्नी थी, महेश्वरी शिव की पत्नी, कुमारी कुमार की पत्नी थी, वैष्णवी विष्णु की पत्नी, वराही जो थी वो वराह की पत्नी थी यानी कि विष्णु, हमने अभी पीछे क्वेश्चन भी देखा था। इंद्राणी जो थी वो इंद्र की पत्नी थी, चामुंड या फिर यमी जो थी वो यम की पत्नी थी। तो ये सात महिला देवताओं के नाम थे, देवियों के नाम थे जिनको सप्तमात्रिका के रूप में माना जाता है, तो आप इसे ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का डिस्कशन था, हम अपने आज के डिस्कशन को यहीं रोकते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। कैसा लगा आप जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।